एवरीवन, आई एम लीना भास्कर। वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मोर, टूल्स, टिप्स एंड टेक्निक्स। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम कैसे अपने मोबाइल पे एक एमसीक्यू डेवलप कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मोबाइल पे एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट कैसे बनाएं। ये हम गूगल क्रोम पे गए और हमने यहाँ पे गूगल फॉर्म्स पे यहाँ पे क्लिक किया। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसे अनटाइटल फॉर्म खुल जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों जगह जहाँ पे अनटाइटल फॉर्म लिखा होगा और नीचे अनटाइटल क्वेश्चन, ये होता है गूगल फॉर्म। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले थीम ऑप्शंस पे। थीम ऑप्शंस के लिए आप सबसे पहले हेडर पे ऊपर जो फॉर्म के ऊपर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैंने इमेज चूज कर ली है और इसके बाद देखिए ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसके बाद मैं थीम कलर के लिए जो भी कलर मुझे पसंद है, यहाँ पे मैंने डार्क मोव ले लिया है। और नीचे बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लाइट मोव सिलेक्ट कर लिया है। फॉन्ट स्टाइल मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, फॉन्ट स्टाइल मैं बेसिक ही रख रही हूँ, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहती हूँ। और ये सब करके फिर मेरा फॉर्म कुछ इस तरह का लगेगा। ऊपर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कलरफुल, और जो यहाँ पे अब लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म। तो अनटाइटल्ड फॉर्म को मैं अब नाम दे रही हूँ, मैं एमसीक्यू बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एमसीक्यू टाइप कर रही हूँ। अब सबसे मजेदार बात, जैसे ही मैं यहाँ टाइप करती हूँ तो नीचे देखिए, नीचे भी आ जाएगा एमसीक्यू। यहाँ पे जैसे ही कर्सर हटाए देखिए आ गया। और इसके बाद फॉर्म डिस्क्रिप्शन की जहां तक बात है, वहां पे मैं लिख रही हूँ क्लास 5, क्योंकि ये मैं क्लास 5 का टेस्ट बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास 5 लिख दिया है। और इसके बाद अनटाइटल्ड क्वेश्चन है नीचे। पहले हम जाएंगे अपनी सेटिंग्स में, थोड़ी सी हम यहाँ पे सेटिंग्स कर लें। नंबर 2 पे सेटिंग्स है, हम यहाँ पे गए। 3 टाइप की सेटिंग्स होती हैं। फर्स्ट जनरल सेटिंग, इसमें मैं लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को टिक कर रही हूँ ताकि बच्चा एक ही बार आंसर दे सके टेस्ट का, बार बार नहीं, बाकी मैं छोड़ सकती हूँ। सेकेंड वाली जो कैटेगरी है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप एक टिक भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और नीचे एक कन्फर्मेशन मैसेज है जो कि ऑप्शनल है, जैसे यहाँ लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, पर यहाँ पे हम टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का टाइप कर सकती हूँ कि मे बी आई कैन टाइप यू हैव कंप्लीटेड योर टेस्ट। दैट मीन्स कि जब बच्चा ये कर लेगा तो उसको ऐसा मैसेज आएगा कि आपने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पार्ट जो सेटिंग्स का है वो है क्विजेस। यहाँ पे मेक दिस अ क्विज पे मैंने कर दिया है और नीचे इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पे मैंने टिक कर दिया है ताकि रिजल्ट उसी टाइम पता चल जाए और मिस क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस सब बच्चे को पता चल जाए। अब ये हमारा एमसीक्यू है, अब हम क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि साइंस का पेपर है, इससे पहले मैं नेम, सबसे पहले बच्चे का नेम पूछेंगे हम। तो मैंने नेम लिखा है, नेम शॉर्ट आंसर में आएगा। और इसमें जो है मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है, मतलब ये करना ही है, बिना इसे करे बच्चा अगले क्वेश्चन पे नहीं जा सकता। कॉपी करके मैंने दूसरा क्वेश्चन में लिख रही हूँ रोल नंबर, ठीक है, मैं अभी टाइप कर रही हूँ रोल नंबर। अब रोल नंबर में मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि बच्चा नंबर में लिखे, तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन इसका आ गया है नंबर ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ कस्टम एरर टेस्ट में राइट इन न्यूमरल्स। इसके बाद जो है, हम यहाँ पे हमने एक और कॉपी करके बना लिया है रोल नंबर के बाद। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि हम लिखे सेक्शन के, क्लास के कौन से सेक्शन में स्टूडेंट आपका पढ़ता है। तो इसमें आप चेक बॉक्सेस को मैंने टिक कर लिया है और इसमें ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मैं ए डालूंगी। तो देखिए कितने मजेदार चीज हुई, ए बी सी डी अपने आप आ गया ऐड। तो ये आप ऐड कर लीजिए, जितने भी सेक्शंस हैं आप उतने सेक्शंस अलॉट कर सकते हैं यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस के थ्रू।
अब मैं एक सेक्शन ऐड करके मैं पहुंच गई हूँ सेकेंड सेक्शन में और मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ लेसन वन, क्योंकि मैं लेसन वन का टेस्ट बना रही हूँ। अब डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, एमसीक्यू में आप लिख सकते हैं कि रीड केयरफुली, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अगर शॉर्ट में आप दे रहे हैं कोई आंसर तो आप लिख सकते हैं आंसर इन कैपिटल्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है गूगल फॉर्म्स, तो इसमें बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों की, इसीलिए मैंने आंसर इन कैपिटल लेटर्स यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सके। इसके बाद अब यहाँ पे ये हमारा सेक्शन टू ऑफ टू देखिए ये बन गया है, जहां पे मैंने ये लिखा है। ये सेटिंग्स के लिए थ्री डॉट्स है हमारे पास, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नीचे जो आपको नीचे थ्री डॉट्स जो नजर आ रही थी, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे आ गए हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मैं लिख रही हूं, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी। और यहाँ पे एक और दूसरी मजेदार चीज देखी कि गूगल आपको सजेशंस भी देता है। देखिए अपने आप से सजेस्टेड करेक्ट आंसर लिवर आ रहा है यहाँ पे ब्लू से जो लिखा हुआ है। और इसके बाद अब मुझे ये क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आएंगी, मेरे को इसमें दो या तीन गलत ऑप्शंस देनी है और एक ठीक, तो मैं एक गलत ऑप्शन में स्किन दे देती हूँ क्योंकि स्किन लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, तो एक मैंने ये दे दिया। सेकेंड ऑप्शन में क्या करती हूँ कि सेकेंड ऑप्शन में मैं लिवर टाइप कर देती हूँ जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, लिवर हमारा राइट ऑप्शन है। और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन मैं इसी तरह से मैं ऐड कर सकती हूँ बिना कोई प्रॉब्लम के, बहुत आसान है इसमें ऐड करना। स्प्लीन मैंने ऐड कर दिया है आप देख रहे हैं, और इसके बाद मैंने पॉइंट्स अलाउ कर दिए, 1-2 पॉइंट्स मैंने अलाउ किए हैं। और यहाँ पे मैं डन नीचे कर दूंगी और राइट पहले जो है, पहले मैं लिवर को इससे पहले मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है ताकि लिवर जो है ये राइट आंसर है, और इसके बाद मैं नीचे डन करूंगी। अब ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा इतना सुंदर सा एमसीक्यू बन गया है, और ये मैंने इसको पूरा कर लिया है यहाँ पे। ये मैंने इसमें क्वेश्चंस बनाए हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, उसके बाद लाइट एंटर्स इन द आईज थ्रू द डिजीज दैट कॉजेज जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, और ये कॉकरोच के फीलर्स वाला पिक्चर वाला क्वेश्चन भी मैंने बनाया है। और इसका जो रिस्पॉन्स है, हम रिस्पॉन्सेस पे आते हैं क्योंकि ये मैंने ही किया है तो आपको ये मेरा ही नजर आ रहा है टेस्ट किया हुआ मेरे नाम के साथ, ये पूरा एनालिसिस यहाँ पे आ जाता है बहुत आसानी से। और सबसे अच्छी इसकी बात है ये ऊपर रिस्पॉन्स के राइट साइड पे ग्रीन वाला, यहां से आप एक एक्सेल या स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट मैंने अभी किया है तो एक ही जने का इसमें, ये देखिए अभी स्प्रेडशीट फटाफट से बन जाएगी और एक ही जने का यानी कि मेरा रिस्पॉन्स इसमें आ रहा है 10/10 मार्क्स, आप देख सकते हैं स्कोर। तो ये भी आपके पास बच्चों का स्कोर आ जाता है। अब इसे भेजना कैसे है, तो भेजने के लिए ये ट्रायंगल वाला बटन जो है सबसे ऊपर, इससे आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं रिस्पॉन्सेस में जाके, ठीक है। तो ईमेल से भेजना चाहते हैं तो ये सेकेंड लिंक मैं चूज करूंगी जो कि लिंक से भेजना है सबसे इजी। कि प्लस साइन से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, और जो आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई है उससे आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू अगेन।